हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट सम क्वेश्चंस जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, हम टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं। सो टीचिंग क्या है? जब मैं कुछ टीच कर रही हूँ तो लर्नर को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो मेरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। सो टीचिंग क्या है? एक सोशल एक्ट भी है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है, बट जो लर्निंग है वो पर्सनल है। ठीक है, वो उसका पर्सनल है। देन टीचिंग का मेरा मोटिव यह है कि मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेरी टीचिंग का लर्नर्स पर आना चाहिए। सो इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी स्टूडेंट्स, को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो। इन शॉर्ट लर्निंग, बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे ये देखना है। सो एक टीचिंग क्या है? सोशल एक्ट हो गया। उसके बाद कुछ तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए लर्नर्स के अंदर, और मैं इंश्योर करूँ कि जो मैं लर्नर्स को वो समझ आ रहा है। नाउ लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लर्नर्स अगर कोई समझ में आ रहा है, अगर उसके पास प्रायर एक्सपीरियंस है उस लर्निंग का, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। बट उस वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है या उसकी फैमिली साइज कैसी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इससे ये चीज़ें लर्नर्स को अफेक्ट नहीं करती, उसके करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती। क्या करेक्टरिस्टिक में आएगा? कि उसके पास लर्निंग का प्रायर एक्सपीरियंस है। ठीक है, देन मूविंग फर्दर हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, मतलब कि हम एक चीज़ के बहुत सारे आइडियाज निकालते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है। चलिए, लेक्चरिंग ल्यूसिड लैंग्वेज किससे रिलेटेड है? डिस्कशन, जब ग्रुप्स में डिस्कशन होता है तो एक पर्टिकुलर थीम पे होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है किसी भी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस का पता लगाना। लर्निंग क्या है? ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर लेक्चरिंग है। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर थीम पर, जैसे कि मैं बोल दूं कि क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रहा है, सो इट इज ऑन अ पर्टिकुलर थीम। नाउ कमिंग बैक टू द साइक्लिक स्ट्रेटजी ऑफ एक्शन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हैं, फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, इवेल्युएटिव रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च का साइक्लिक पैटर्न क्या है? एज यू ऑल नो, वेरियस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, प्लान, एक्ट, then observe and reflect. So it is plan करें, act करें, then observe करें और उसे reflect करें. Then coming to the next, formulative evaluation क्या होता है? टीचर का summative evaluation होता है, formative evaluation होता है। टीचर कुछ क्लास में पढ़ा रही है, so बच्चों के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, उसके फीडबैक पे काम हो रहा है, उसको क्वेश्चन आंसर्स जब सेशन चलता है तो ये सब क्या है? फॉर्मुलेटिव है। ठीक है, फॉर्मुलेटिव लर्निंग है। और समेटिव लर्निंग, जब लास्ट की बात पढ़ा दिया तो टेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो द टेस्ट, यूनिट टेस्ट और ट्रांजेक्टेड, वो एंड की बात करता है, ये समेटिव इवेंट है। ठीक है, तो फीडबैक, क्वेश्चन आंसर्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू रिसर्चेस, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस की बात कर लेते हैं हम। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम बात करते हैं थ्योरी बिल्ड करने की, उस जो थ्योरी बनाई गई है उसको हम कैसे यूज करें, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च, जहाँ पे हम वेरियस पॉसिबिलिटीज देखते हैं टू यूज द फंडामेंटल थ्योरी। फिर एक्शन थ्योरी एंड इवेल्युएटिव थ्योरी है। नाउ जब रिसर्च करते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर तो क्या अप्रोच होती है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डिफाइन करो। ओके, उसके बाद कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है उन्हें आइडेंटिफाई करो। डिफाइन अ पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैंपल को लेके आओ। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट करो डेटा को, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करो। सो साइंटिफिक अप्रोच क्या है? प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कितने पॉपुलेशन को डिफाइन करो, उसके बाद हम उसकी सैंपल को कलेक्ट करते हैं वेरियस डिफाइन। ठीक है, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सो इस सेशन में बड़ी ब्रीफ से हमने बात कर ली अबाउट दी लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचर्स टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर ली,
उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ आइडियाज देखते हैं हम. डिस्कशन के अंदर थीम बेस्ड होता है. स्ट्रैटेजी ऑफ द एक्शन रिसर्च क्या है, प्लान करो, देन उस पर एक्ट करो, ऑब्जर्व करो एंड रिफ्लेक्ट करो. टाइप्स ऑफ रिसर्चेस में फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो थ्योरी पे बेस्ड है, उन थ्योरी से यूज किया जा रहा है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. उसके बाद एक्शन एंड इवेल्युएटिव रिसर्च है. फिर फॉर्मुलेटिव इवेल्युएशन के अंदर क्लास के अंदर फीडबैक पे क्वेश्चन आंसर सेशन या डाउट सॉल्व करना ऑफ स्टूडेंट्स. समेटिव एट द एंड की बात कर रहा है, यूनिट टेस्ट हो गया. देन हमने साइंटिफिक मेथड ऑफ अ रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करो, फिर पॉपुलेशन को डिफाइन करो, सैंपल पे डेटा कलेक्ट करो और रिजल्ट को एनालाइज द रिजल्ट. ओके, सो इन दिस वे इस सेशन में हमने कुछ बात करी है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.